देखो बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ये कहे कि मुंबई से दिल्ली के बीच जो डिस्टेंस है वो मान लो कि 2320 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर नंबर को याद रखना मुश्किल हो जाता है अगर कोई ये कह दे कि राउंड 2000 किलोमीटर है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि 2320 किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 2000 किलोमीटर के ये नंबर के नियरेस्ट नंबर है, ठीक है ना। तो ये हमने एक राउंड फिगर बोल दी। तो हम लोग आपस में व्यवहार भी करते हैं राउंड फिगर वाला, कि यार राउंड फिगर में बात कर लेते हैं ना। तो देखो बेटा, यहाँ पर भी एक कुछ राउंड फिगर टाइप का ही व्यवहार है। अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं इसको एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा 2×10³, ठीक है। तो अगर कोई ये कहे कि यहाँ मुंबई से जो दिल्ली है वो 3K ऑर्डर का है, यहाँ जो डिस्टेंस है वो 3K ऑर्डर का इन किलोमीटर है, तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये कुछ सम थाउजेंड किलोमीटर के लगभग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको, ये जो 3 है ना, इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फिजिक्स में भी जब सामान्य व्यवहार किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने के बदले कई बार सामान्य व्यवहार में हम राउंड फिगर की चर्चा कर लेते हैं, राउंड फिगर में बता देते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई ये कहे कि हमारी अर्थ से उस पर्टिकुलर जो स्टार है वो स्टार का डिस्टेंस 10^22 मीटर, ठीक है ना। अगर कोई ये कहे और कह दे कि ये जो पर्टिकुलर 22 है ना, ये 22 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, तो हमको एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है अगर हम यूनिट मीटर में ले लेते तो हमको एक साधारण सिंपल सा कुछ आइडिया बैठता है कि अच्छा इतना लगभग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको एक अप्रोक्सीमेशन के बारे में बता रहा होता है। देखो बच्चों, अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन लिखता हूं तो कैसे लिखता हूं, साइंटिफिक नोटेशन हम लिखते हैं n=n×10^x। यहां पर फिर से हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, जो n है वो कितना है, n है 2320, ठीक है, ये नंबर ले लिया मैंने n। तो इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा, मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के बताता हूँ। 2320 को मैं लिखूँगा 2.32×10^2, इस तरीके से लिखूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल n है ना वो 2.32 हो गया, और यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो बच्चों, ये जो x है ना, जो यहाँ पर 2 है, इस x को ही हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखो बच्चों, इस पर्टिकुलर नंबर में अगर कोई हमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, केवल हमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता दे, तो हमको ये कुछ आइडिया हो जाता है कि मेजरमेंट लगभग कितना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो यहाँ पर x है वो क्या है, वो ये है कि देखो, पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, ठीक है। हम यहाँ पर एक डिस्टेंस को प्रेजेंट करना चाहते हैं, इस डिस्टेंस को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर 10 की पावर में मैंने कितनी फिगर लिख दी, है ना। 10 का पावर मैंने कितना लिख दिया, ये 10 का पावर ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी
इज पावर ऑफ टेन रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। यहाँ पर जो हमने साइंटिफिक नोटेशन लिखा है, तो ये जो हमने फिजिकल क्वांटिटी बता रखी है, ये फिजिकल क्वांटिटी को इस तरीके से जो साइंटिफिक नोटेशन में बता रखा है, इसमें जो ये स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन का वैल्यू अगर रूट टेन से छोटा है, रूट टेन का मतलब होता है 3.162, अगर एन का वैल्यू रूट टेन से, मतलब 3.162 से छोटा है, तो ऐसी कंडीशन में नियम क्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यही कि 2320 को मैंने लिखा 2.32 इंटू 10 to the power 3। तो यहाँ पर जो ये स्मॉल एन है ना, ये स्मॉल एन तो रूट टेन से छोटा है, मतलब 3.162 से छोटा है, तो यहाँ पर तो ये नियम लागू हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में हम इसको सिंपली हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम ओमिट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एन इज एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर एक्स, इस एक्स को ही तो हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन कितना मिला हमको, 3 मिला। और अगर एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, सपोज 9320, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 9.32 इंटू 10 to the power 3। तो ऐसी कंडीशन में हमको जो ये स्मॉल एन मिला, ये स्मॉल एन तो बड़ा है, 9.32 इज ग्रेटर देन रूट 10, ठीक है ना, रूट 10 का वैल्यू तो 3.16 होता है, तो ये तो ग्रेटर है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, इस कंडीशन में जो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हम लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन, तो उसको क्या करते हैं हम, ये जो एक्स का वैल्यू है ना, उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो हम कहेंगे एक्स प्लस 1, ठीक है, अगर अगर स्मॉल एन इज़ ग्रेटर देन रूट 10 होता है, तो हमारी जो हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है उसको हम लिखते हैं एक्स प्लस 1, मतलब यहाँ पर एक्स कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1। तो कहने का मतलब ये है कि 2320 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया ये 3, ठीक है ना, और 9320 के केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया ये 3 plus 1 is equal to 4। तो इस फिगर के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 है, और इस फिगर के लिए, इस नंबर के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 है। अगर हमसे कोई पूछे कि 32975 है ना, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, तो देखो सबसे पहले तो हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा। सपोज एक एक लोकेशन, अभी तो मैं आपको एक डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, चलो मैं आपको कुछ मास की बात कर रहा हूँ। सपोज एक हमारे पास में एक रॉक है, और उस रॉक का मास इतना केजी है, रॉक का जो मास है वो मास ऑफ रॉक इज इक्वल टू 32975 kg। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 3.2975 है ना, इंटू 10 to the power 4, इस तरीके से लिखेंगे। अब कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप हमें बताइए, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो, चलो ये कैपिटल एन ये है, और इसको हमने लिखा स्मॉल एन इंटू 10 to the power x। यहाँ पर स्मॉल एन कितना है, 3.2975 है। तो हमको अब देखना है कि ये जो स्मॉल एन है वो ग्रेटर देन रूट 10 है या लेस देन रूट 10 है। तो देखो जो ये स्मॉल एन है वो कंपेयर करते हैं हम लोग रूट 10, रूट 10 कितना होता है 3.162, ठीक है, इसको कंपेयर कर लो इसके साथ, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको ये दिखाई दे रहा है कि स्मॉल एन इज ग्रेटर देन 3.162। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम आंसर देंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो कितना है, तो आंसर हमारा हो जाएगा x प्लस वन। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है हमारा x कितना है, 4, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अगर हमें कोई बोले कि सपोज मास ऑफ रॉक वो मान लो आया 129375, ठीक है ना, तो आप बताइए कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी इतनी है, इतना केजी, तो एन इज इक्वल टू हमको ये मिला, अच्छा स्मॉल एन लिखे लेते हैं, तो वो हो जाएगा 1.129375 × 10⁵, ठीक है ना। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है, तो ये बन गया हमारा स्मॉल एन और ये हो गई 10⁻X। तो ये वैल्यू 5 जो है ना वो तो एक्स है, ठीक है। अब हमको फिर से देखना है कि हमारा नियम क्या है, तो कंपेयर कर लो स्मॉल एन को। स्मॉल एन को कंपेयर किया किसके साथ, कंपेयर किया रूट 10 के साथ, 3.162 के साथ। तो यहाँ पर जो स्मॉल एन का वैल्यू मिल रहा है ना वो तो 3.162 से छोटा है। ये इसका मतलब ये होता है कि इस क्वांटिटी को हमें सिंपली ओमिट कर देना है, हटा देना है, और जो हमारा x का वैल्यू है 5 वो एज इट इज बना रहेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा 5, मतलब कि x एज इट इज, ठीक है ना। तो ये इन नियमों का हमें ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमने x प्लस 1 किया है ना, तो यहाँ पर भी हमें इसे हटाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मास ऑफ रॉक को हम लिख देंगे 10⁵ और मास ऑफ रॉक नंबर टू को हम लिख देंगे, इसको लिख देंगे 10⁵। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटीज और उनके जो नंबर दिए हों तो आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। हमने ओवरऑल देखा कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ना वो केवल और केवल एक अप्रोक्सीमेशन, केवल एक आइडिया बताने के लिए होता है, कि अप्रोक्सीमेशन के लिए होता है। अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं, राउंडिंग ऑफ टू ड्रॉप लास्ट डिजिट। देखो बच्चों राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, और राउंडिंग ऑफ क्यों करते हैं वो आपको इसी वीडियो के एंड में पता चलेगा, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ करते कैसे हैं पहले तो वो देख लो। तो देखो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक नंबर देखता हूँ 2.62829, ठीक है। देखो बच्चों इसमें ये जो लास्ट डिजिट है ना इसको हम बोलते हैं, इस लास्ट डिजिट को हम बोलते हैं लास्ट डिजिट। अच्छा लास्ट से जो पहली वाली जो डिजिट है इसको हम बोलते हैं प्रिसाइडिंग डिजिट। अच्छा अगर मान लो बच्चों हमको लास्ट डिजिट को ड्रॉप करना है, मतलब मैं इस नंबर को ड्रॉप करना चाहता हूं, ठीक है, तो इसके कुछ नियम है और वो नियम हम देखते हैं। तो पहला नियम है कि लास्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, इफ लास्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। अगर लास्ट डिजिट जिसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 9 को ड्रॉप करना चाहते हैं ना, तो अगर ये डिजिट लेस देन 5 है तो क्या, अब यहाँ पर तो 9 लेस देन 5 नहीं है, तो इसमें आपको मैं एक नया एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा x इज इक्वल टू 8.82, तो इसमें जो ये लास्ट डिजिट है ना ये तो 2 है और 2 तो लेस देन 5 है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इसको ड्रॉप करने के लिए, इसको ओमिट करने के लिए, इसको हटाने के लिए हमको सिंपली कुछ भी चेंज नहीं करना है, मतलब कि प्रिसाइडिंग डिजिट अनचेंज रहेगी। मतलब मैं इसको लिख दूंगा x इज इक्वल टू 8.8, है ना। तो ये जो प्रिसाइडिंग डिजिट थी, कौन सी प्रिसाइडिंग डिजिट, ये वाली जो ये प्रिसाइडिंग डिजिट थी इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। देखो यहाँ पर एज इट इज लिख दिया ना, ये 8 को 8 लिख दिया और 2 को सिंपली ओमिट कर दिया। तो यहाँ पर देखो इस रूल के अनुसार
हम लास्ट डिजिट को ड्रॉप करते हैं। तो फिर से इफ लास्ट डिजिट इज टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन प्रिसाइडिंग डिजिट इज अनचेंज्ड। प्रिसाइडिंग डिजिट इज अनचेंज्ड। राउंडिंग ऑफ के लिए रूल नंबर 2, इफ लास्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, लास्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, जैसे कि अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 9.38, तो यहां पर जो ये 8 लास्ट डिजिट है ना, ये तो ग्रेटर देन 5 हो गई। तो हमें अगर इस लास्ट डिजिट को ड्रॉप करना है तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो लास्ट डिजिट है अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो हमको जो प्रिसाइडिंग डिजिट है ना उसमें एक एक ऐड कर देना है। प्रिसाइडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 9 पॉइंट, ये जो प्रिसाइडिंग डिजिट है ना लास्ट से पहले वाली, तो इसमें हम एक बढ़ा देंगे, हम लिख देंगे 9.4। ठीक है, तो इस रूल को हम कुछ इस तरीके से लिखे लेते हैं कि इफ लास्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन प्रिसाइडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अच्छा जी, अब बात आती है रूल नंबर 3 की। देखो बच्चों, रूल नंबर 3 में मतलब तीसरे ऑप्शन में, तीसरे केस में ये हो सकता है कि लास्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5। लास्ट डिजिट जिसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 है, या फॉलोड बाय जीरोज है, जैसे कि 50, 500 या 5000, है ना, लास्ट डिजिट कुछ कुछ इस तरह से है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में दो ऑप्शन बनते हैं। देखो बच्चों, अगर लास्ट डिजिट जिसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 है, तो ऐसी कंडीशन में दो ऑप्शन ये बन रहे हैं कि जो हमारी प्रिसाइडिंग डिजिट है, प्रिसाइडिंग डिजिट, वो या तो इवन होगी और या तो वो ऑड होगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रिसाइडिंग डिजिट वो ऑड है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, तो देखो बच्चों, प्रिसाइडिंग डिजिट अगर इवन है, जैसे कि x इज इक्वल टू 9.350, ठीक है, हम इस 5 को हटाना चाहते हैं, 5 को ड्रॉप करना चाहते हैं, तो हम इसको लिख देंगे x इज इक्वल टू 9.3, मतलब प्रिसाइडिंग डिजिट जो है वो अनचेंज रहेगी। तो हम बोलेंगे प्रिसाइडिंग डिजिट इज अनचेंज्ड। अगर प्रिसाइडिंग डिजिट इवन है तो ऐसे केस में प्रिसाइडिंग डिजिट अनचेंज रहेगी। तो किस्सा यहां पर इवन का चल रहा है, एग्जाम्पल में गलती से मैंने डिजिट लिख दी 3, आप इसको 4 कंसिडर कर लो। तो अगर लास्ट डिजिट जो कि ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 है, या फॉलोड बाय 5 फॉलोड बाय जीरोज है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं। जिस डिजिट को ड्रॉप करना चाहते हैं उससे जस्ट पहले वाली जो प्रिसाइडिंग डिजिट है, अगर वो इवन है, मतलब हम 5 को ड्रॉप करना चाहते हैं तो उससे पहले की जो डिजिट है वो इवन है, तो इसके लिए हमारा नियम यह है कि जो प्रिसाइडिंग डिजिट है ना वो अनचेंज रहेगी। तो प्रिसाइडिंग डिजिट को अनचेंज रखो और 5 को ड्रॉप कर दो, तो ये जो प्रिसाइडिंग डिजिट है ना ये अनचेंज रहेगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे 4 कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगर प्रिसाइडिंग डिजिट, दूसरा ऑप्शन है, प्रिसाइडिंग डिजिट अगर हमारी ऑड है, तो इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर x इज इक्वल टू 9.75 या 9.750 हो, तो ऐसी कंडीशन में जो हम लास्ट डिजिट ड्रॉप करना चाहते हैं वो तो 5 के बराबर है, और प्रिसाइडिंग डिजिट यहाँ पर ऑड है, 7 एक ऑड नंबर है। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि प्रिसाइडिंग डिजिट है ना उसको रेज्ड बाय 1 कर देते हैं, मतलब कि x इज इक्वल टू, हमको लिखना चाहिए प्रिसाइडिंग डिजिट को रेज्ड बाय 1 करना है,
तो हमको लिखना है 7 + 1 = 8, ठीक है, और 5 को हटा दो, तो 5 को हमने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो हमारा नियम यह है कि अगर प्रिसाइडिंग डिजिट ऑड है तो ऐसी कंडीशन में जो प्रिसाइडिंग डिजिट है उसको रेज्ड बाय 1 कर दो, ठीक है। तो इन नियमों का पालन करके हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं, मतलब लास्ट जो डिजिट है उसको ड्रॉप करते हैं। अच्छा, अब लास्ट डिजिट ड्रॉप क्यों करते हैं तो वो हम देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर पहले पढ़ लेते हैं, हमको आइडिया मिल जाएगा कि कैलकुलेशन में कई बार हमको लास्ट डिजिट्स या कुछ डिजिट्स लास्ट की ड्रॉप करनी पड़ती हैं। चलो सिग्निफिकेंट फिगर देख लेते हैं। बच्चों आपके लिए ये नोट्स लिखे हैं, जो बच्चे नोट डाउन करना चाहें कर लें। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। देखो बच्चों, मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ। ऐसा समझो कि मैंने किसी बच्चे से बोला कि बेटा आप ये पर्टिकुलर जो पीस है, पीस ऑफ आप कुछ भी ले लो, पीस ऑफ ये प्लास्टिक का जो ये टुकड़ा है उसका, इसका आप मेजरमेंट लेके आओ, आप इसकी लेंथ बताओ, ठीक है। तो बच्चा गया और बच्चे ने मेज़र करके बताया कि सर जो लेंथ है ना वो 2.392 मिली। अच्छा जी, देखो बच्चों, ये जो बच्चा लेंथ को मेज़र करके इस नंबर को लेकर के आया, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है ना लास्ट वाला, ये नंबर तो ज़्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन ये नंबर्स ज़्यादा रिलायबल हैं। कौन से? ये। अगर बच्चा कहीं मेज़रमेंट करने में मिस्टेक करेगा तो यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है। हो सकता है कि जो ये लेंथ है वो 2.392 के बदले 2.393 सेंटीमीटर हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखो, ये जो लास्ट जो नंबर है ना, लास्ट जो डिजिट है ना, इसको मैं कहूँगा कि लास्ट जो फिगर है उसको मैं कहूँगा अनरिलायबल या अनसर्टन फिगर, ठीक है। और ये जो फिगर्स हैं इनको मैं कहूँगा रिलायबल फिगर्स या सर्टन फिगर्स। अच्छा, तो देखो बच्चों, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, तो किसी भी मेजर्ड वैल्यू में जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना वो नंबर ऑफ डिजिट होती हैं। कौन सी नंबर ऑफ डिजिट कि रिलायबल फिगर्स आपके पास में कितनी हैं, और उसके बाद हमको उसमें प्लस करना है एक अनरिलायबल फिगर, ठीक है। तो इस एग्जांपल में समझो बेटा कि अगर कोई बच्चा मेजरमेंट करके ये नंबर लेकर के आया, ये मेजर्ड वैल्यू बच्चा हमको दिखा रहा है, तो इसमें रिलायबल फिगर्स कितनी हैं? तो रिलायबल फिगर्स या रिलायबल डिजिट है 1, 2, 3, तो 3 है रिलायबल डिजिट। अच्छा, उसके साथ में एक अनरिलायबल डिजिट, कौन सी? ये 2, एक अनरिलायबल डिजिट, ठीक है, इसको ऐड कर दो, तो टोटल डिजिट कितनी होगी? 3 + 1 = 4, तो ये 4 जो है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज 19.5 लिखा हुआ है, तो 19.5 सेंटीमीटर कोई लेंथ है। अच्छा जी, अब देखो बात ये नहीं है, मान लो कि आप कोई पर्टिकुलर मास पता करते हो किसी ऑब्जेक्ट का और वो निकला 19.5 ग्राम, तो जब आप ये मेज़र करके हमें बताओगे तो हम ये कहेंगे कि हो सकता है ये वाली फिगर में कुछ आगे पीछे पॉसिबल है, हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो, लेकिन ज़्यादा रिलायबल तो ये मालूम पड़ती हैं, तो मैं 5 को कहूँगा अनरिलायबल फिगर और इन 1 और 9 को मैं कहूँगा रिलायबल फिगर, ठीक है। तो 19.5 के लिए
19.5 के लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? तो आंसर है कि रिलायबल फिगर गिन लो। रिलायबल फिगर जो गिनी मैंने तो मुझे दिखाई दिया ये और ये दो रिलायबल फिगर हैं और उसके साथ में एक अनरिलायबल फिगर ये वाली, तो कुल हो गई, टोटल हो गया 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी मिली? 3 मिली। ठीक है, अच्छा, तो अब हम सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन को नोट डाउन करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर रिलायबल प्लस वन मोर डिजिट विच इज अनरिलायबल, जो अभी अभी हमने देखा। ठीक है, देखो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है इसका मतलब समझ लेना कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ज़्यादा है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, नोट डाउन कर लो हाल फिलहाल। अच्छा, एक बात पक्की है कि इफ़ यूनिट चेंजेस सिग्निफिकेंट फिगर कॉन्स्टेंट रहती है, आप इसको नोट कर लो, मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए एक नोट हमने ये किया था कि सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको एक वुडन पीस देता हूँ और ये कहता हूँ कि आप इस लेंथ को मेज़र कीजिए, तो एक बच्चे ने मेज़र किया और वो मेज़र करके बता रहा है कि सर इसका जो वैल्यू मुझे मिला वो 5.3210 मिला, इतना सेंटीमीटर। और दूसरा बच्चा मुझे बता रहा है कि सर 5.3 मिला मुझे सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि जिस बच्चे ने ये मेजरमेंट किया है ना, ये मेजरमेंट, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है और हमको यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या भी ज़्यादा है और इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कम है। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो बच्चा है जिसने मेजरमेंट किया है इतना, ये 5.3210, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो इसने पक्का वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए होंगे जिसका लीस्ट काउंट बहुत कम है। जो इंस्ट्रूमेंट बहुत कम लेंथ या बहुत कम मास या बहुत कम टाइम का डिफरेंस मेजर कर सकता है उसको कहते हैं कि भैया इसका लीस्ट काउंट, कम से कम काउंट जो ये कर सकता है। ठीक है ना, तो उसको, तो लिस्ट काउंट इसका कम है। ठीक है, तो यहां पर ये मालूम पड़ता है कि ये मेजरमेंट पक्का सिंपल मीटर स्केल से किया गया है और ये मेजरमेंट तो मुझे लग रहा है कि किसी वर्नियर स्केल से या स्क्रू गेज से किया हुआ है ना, तभी तो ये सब फिगर ढूंढ के लाया है वो। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, मतलब बहुत एक्यूरेसी से मेजरमेंट हुआ है। दूसरी बात हमने ये नोट डाउन करी थी कि अगर यूनिट चेंज होती है तो सिग्निफिकेंट फिगर कांस्टेंट रहता है। जैसे कि मैं लिखूं 19.5 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 19.5 × 10⁻²⁻ मीटर। अब बच्चों यहां पर तो देखो यूनिट चेंज हो गई, ये यूनिट बदल गई है सेंटीमीटर से मीटर, लेकिन यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना वो बदली नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर सेम होती है। अब सिग्निफिकेंट फिगर पता कैसे करना, इसके रूल क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरोस और जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब यह है जैसे कि 3.9, यहां पर सारी की सारी जो डिजिट लिखी गई है ना, यहां पर कोई भी जीरो नहीं है, सब नॉन जीरो ही है, तो क्या करो, सभी नॉन जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर बोल दो। 1, 2, 3, 4, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर है 4, 4। एक और एग्जांपल 3295.23, अगर मैंने ये लिखा तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर देखो, यहां पर तो सबके सब नॉन जीरो है, तो यहाँ तो 1, 2, 3, 4, पांचवी फिगर और छठी फिगर,
छः के छः फिगर सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 6 हो गई। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए रूल नंबर 2, देखो बच्चों, अगर आपको ज़ीरो दिखाई देता है और वो नॉन ज़ीरो के बीच में है, ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो, ठीक है, तो इस ज़ीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर कर लिया जाता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जैसे कि 5.03, तो देखो ये नॉन जीरो के बीच में एक जीरो आ गया, तो इस जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर मान लो, तो एक फिगर, दो फिगर, तीन फिगर सिग्निफिकेंट फिगर बने यहाँ पर 3। एक और एग्जांपल देता हूँ, 4600.52, तो देखो यहाँ पर जो जीरोज हैं वो नॉन जीरो के बीच में आ चुके हैं, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर गिन लो, 1, 2 और 0, ये नॉन जीरो के बीच में है ना, इसीलिए हम इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर मान लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिग्निफिकेंट फिगर इज 6, ठीक है। अच्छा जी, अब रूल नंबर 3, देखो अगर मान लो कि लीडिंग जीरोज हैं, लीडिंग जीरोज, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। इसका मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि 0.329 ये मैंने लिखा ना, तो यहां पर जो जीरो है वो लीडिंग है, मतलब कि ये पहले आ रहे हैं ना, नॉन जीरो से पहले आ रहे हैं, तो देखो ये जीरो जो है वो इस नॉन जीरो से पहले आ रहा है, इसीलिए इस जीरो को मैं सिग्निफिकेंट नहीं मानूंगा, ये इसको मैं सिग्निफिकेंट नहीं मानूंगा, ये तो मैं सिग्निफिकेंट मानूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना वो 3 हो गई। एक और एग्जांपल लिए लेते हैं, जैसे कि 003, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी, तो मैं कहूँगा कि ये जो जीरोज है ना, ये जीरोज तो लीडिंग जीरोज हैं, और लीडिंग जीरोज तो वो तो क्या माने जाते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, ये भी नहीं माना जाएगा, ये सिग्निफिकेंट माना जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो गई यहाँ पर 1, ये वाली, ठीक है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देता हूँ, 0.30029, अब देखो यहाँ पर मैं एक जीरो रख देता हूँ, ये देखो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उस नियम के अनुसार ये जो दो जीरो है ना, ये तो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हम रूल पढ़ चुके हैं कि नॉन जीरो के बीच में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर माने जाते हैं, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन ये जो दो जीरो है ना, ये लीडिंग जीरोज है, मतलब ये जीरोज प्लेस्ड एट द लेफ्ट ऑफ नंबर हैं, इसीलिए हम इनको सिग्निफिकेंट नहीं मानते। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, ठीक है। अब हमारा रूल नंबर 4, देखो बच्चों, जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, उनको हम लोग सिग्निफिकेंट मानते हैं, तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि 5.430, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये वाला जो जीरो है ना, ये ट्रेलिंग जीरो है, मतलब जीरो प्लेस्ड एट राइट टू द नंबर है, तो इसीलिए अब हम इसको भी सिग्निफिकेंट मान लेंगे। तो हमारा नियम क्या है, ट्रेलिंग जीरो तो सिग्निफिकेंट होता है, यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर बन गई है 1, 2, 3, 4, ये। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, 0.003002900, अब बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी, तो देखो बच्चों ये वाले जो जीरोज है ना, ये तो लीडिंग जीरोज हैं, हटाओ इनको, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माने जाएंगे, ये दो जीरोज नॉन जीरो के बीच में आते हैं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे, 3 तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही,
टू भी है, नाइन भी है, ये दोनों जीरोज वो ट्रेलिंग जीरो है जिनको सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। अब गिन लो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 7। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अगला नियम है कि अगर मान लो कोई नंबर है और वो उसमें कोई डेसिमल नहीं है, है ना, जैसे कि मैं कुछ नंबर ले देता हूँ 2005200, यहाँ पर कोई डेसिमल तो है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में जीरोज आफ्टर राइट टू नॉन जीरो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। मतलब नॉन जीरो सबसे लास्ट में, लास्ट नॉन जीरो कहाँ है, ये रहा, इस नॉन जीरो के बाद के जितने भी जीरोज है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन हो गए, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये दो जीरो ये नॉन जीरो के बीच में आ गए, मतलब ये दोनों भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हो गया 1 2 3 4 5, तो लिख दो जी सिग्निफिकेंट फिगर इज 5। रूल नंबर 6, फॉर एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखता हूं मैं 3.52 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9। तो यहाँ पर जो ये न्यूमेरिकल पार्ट है ना ये सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, तो मैं कहूँगा कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि 3.02 इंटू 10 टू दी पावर 6 अगर मैंने लिखा, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर बनेगी मेरी 1 2 3 4, ठीक है 4। चलो तो मैं आपको अब कुछ नोट डाउन करवाता हूँ। हाँ बच्चों, तो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर नोट डाउन कर लो, पहला रूल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फोटो खींच लो, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6, पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लेना। अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, तो इनको जब एलजेब्रिक ऑपरेशन होता है तो कैसे डील किया जाता है, तो अगला टॉपिक हम लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर इन एलजेब्रिक ऑपरेशंस। देखो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखो इसका नियम मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज हमारे पास में दो अलग अलग नंबर्स हैं, जैसे कि 30.8 और दूसरा 2.12, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर तो ये आएगा। अच्छा जी, देखो बच्चों यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, ये दो अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर्स हैं। जब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे केसेस में हमको क्या ध्यान रखना पड़ता है, हमको ये देखना है कि इन दोनों में दोनों जो नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस किसका है। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस तो मुझे पॉइंट के बाद, देखो ये एक डिजिट दिखाई दे रही है, यहां पर पॉइंट के बाद मुझे दो डिजिट दिखाई दे रही है, तो लीस्ट डेसिमल प्लेस नंबर तो मैं इसको मानूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, हमारा जो आंसर होगा ना, हमारा आंसर जो होगा उसमें डेसिमल के बाद में जो प्लेस बनेंगे वो इतने ही बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद मुझे एक प्लेस तक ही आंसर लिखना है, तो मुझे दो को क्या करना है, ये टू को मुझे ड्रॉप करना है। अब याद आया कि वो ड्रॉप क्यों किया जाता है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर दो को ड्रॉप करना चाहता हूँ। मुझे दिखता है कि यहाँ पर जो ये लास्ट डिजिट ड्रॉप करना चाहता हूँ वो 5 से छोटी है, तो एक काम करो ना, एज इट इज प्रिसाइडिंग डिजिट है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लिख दो 32.9, तो हमारा आंसर इतना हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे कि 33.694, इसमें मुझे माइनस करना है 2.12। देखो बच्चों यहाँ पर ये जो नंबर है ना,
ये नंबर इसमें प्रिसीजन ज़्यादा है, ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर किया गया होगा, तभी तो डिजिट डेसिमल प्लेस के बाद एक दो तीन, डेसिमल के बाद तीन प्लेसेस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर डेसिमल के बाद में दो डिजिट दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट किए गए हैं, ये मेजरमेंट अलग अलग एक्यूरेसी से अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट से किए गए हैं और इन मेजरमेंट को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर क्या आएगा, 31.574, ठीक है। अब हमारा नियम क्या था कि जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या देखना है, वो वाला नंबर देखो जिसमें डेसिमल के बाद में लीस्ट प्लेस हो, तो मुझे वो ये दिखाई देता है कि डेसिमल के बाद में यहाँ पर लीस्ट प्लेसेस है एक दो, लिस्ट फिगर है दो, तो हमको क्या करना है, आंसर में भी हमको डेसिमल के बाद में दो ही फिगर चाहिए तो चार को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, चार तो फाइव से छोटा है तो जो डिसाइडिंग डिजिट है वो एज इट इज रहेगी, 31.57, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है कि अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर का उपयोग कर रहे हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास में हैं, मतलब कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स की अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती हैं और उनको आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हो, तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो ऐसे केस में ऑपरेट कैसे करोगे, तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं 2.3 को 1.112 में मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर हमारा आ जाएगा 2.5676, आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर नियम क्या है, नियम थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो दोनों नंबर थे ना, इन दोनों नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर किसकी कम है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर तो दो है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर तो 1, 2, 3, 4 है, तो जिसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर कम है हमारा आंसर उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, मतलब हमारा आंसर दो सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको 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 ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ड्रॉप करते हैं, पहले 6 को ड्रॉप कर लो, 6 5 से बड़ा है तो आंसर हमारा आया 2.56, 5 से बड़ा होने से प्रिसाइडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, ठीक है ली, ठीक है जी, कर ली। इसको अगेन ड्रॉप करना है, ये लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है तो प्रिसाइडिंग डिजिट उसमें एक ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 2.57। अब आंसर हमको कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, तो इसको फिर से ड्रॉप करो, 7 फिर से 5 से बड़ा है तो आंसर हमारा आ जाएगा 2.6, ये आ गया हमारा आंसर, तो हम इस आंसर को लिखेंगे 2.6 ऐसे। एक और एग्जांपल बच्चों दे देता हूँ, जैसे कि अगर आप 9.8 में डिवाइड करना चाहते हो 2.135 को, तो आंसर आया सपोज 4.59016। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रूल है कि आप दोनों ही नंबर को देख लो किसके पास में सिग्निफिकेंट फिगर कम है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कम वाला नंबर तो ये रहा, दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा आंसर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, मतलब हम कम वाले सिग्निफिकेंट फिगर को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब ये सब ड्रॉप करना पड़ेगा। तो जब ये ड्रॉप करेंगे तो देखो ये जो लास्ट डिजिट आएगी, ये लास्ट डिजिट तो 5 से बड़ी है, इसीलिए जो प्रिसाइडिंग डिजिट है वो रेज्ड बाय 1 हो जाएगी, इसमें एक ऐड हो जाएगा, मतलब आंसर हमारा आ जाएगा 4.6। तो आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने की दो न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में ऑपरेट करते समय जिसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कम था। तो बच्चों ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, और आप नोट डाउन कर लो, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो PDF फाइल हम भेज देंगे। यहाँ पर मैंने आपको नंबर कई बार बताया है, कॉल नहीं करना है, केवल मैसेज करना है। फिर से देख लो, ये रहा नंबर। तो यहाँ पर आज की कथा पूरी करते हैं, सभी को नमस्ते, जय श्री राम।